हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दोबारा से अपनी खतरू टीम लेकर आ गया हूँ। और गाइस, आज इनके अगेंस्ट है द ग्रेट खली सर की टीम, यानी कि इंडियन सुपरस्टार की टीम। सो गाइस, आज के मैच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के फाइट में ऐसा कुछ होने वाला है जो इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है। सो गाइस, जल्दी से मैच को स्टार्ट करते हैं और मैंने इंटरनेट ऑफ करके रखा हुआ है। और गाइस, अगर चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट करना अपने इंडियन सुपरस्टार्स के लिए। All right guys, मैच के स्टार्ट कर रहे द ग्रेट खली और रोमन रिंग्स। भाई स्टार्ट में ही रोमन रिंग्स भाई डोमिनेट करते हुए ग्रेट खली को एक पंच में डाउन कर दिए। इतने जल्दी टैग दे दोगे क्या? द बटिस्टा द एनिमल आ चुके भाई, बहुत ही जल्दी टैग दे दिए रोमन रिंग्स और चले गए रिंग के बाहर। अब हो रही है फाइट द ग्रेट खली वर्सेस बटिस्टा और सभी के पास में दो दो फिनिशर और यहाँ पे सबमिशन लग चुका है द ग्रेट खली को। भाई क्या हो रहा है यार, इंडियन सुपरस्टार आज भी थोड़ा सा मार खा रहे हैं। लास्ट मैच भी मैंने कराया था, उसके अंदर जिंदर महाल थे, वीर महान थे और शैंकी था, तो वो मैच हार गई थी हमारी इंडियन सुपरस्टार की टीम और द खतरू टीम वो मैच जीत गई थी। और द एनिमल भाई अंदर द ग्रेट खली को तो मार चुके, बाहर आके जिंदर महाल को भी डाउन कर दिए, स्टन कर दिए उनको सीधा। बहुत ही खतरनाक फाइटर है यार ये तीनों, ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा और रोमन रिंग्स। बट सामने भी भाई इंडियन सुपरस्टार है, इतने जल्दी हार तो नहीं मानेंगे। और इंडियन सुपरस्टार के कैप्टन द ग्रेट खली सर को पिनफॉल करने जा रहे थे, तो इतने जल्दी तो पिनफॉल होने से रहा बटिस्टा। भाई अपने कॉर्नर पे लेके जाके मार रहे और डबल टीम अप भी हो चुका है भाई, कॉर्नर पे जाके हाथ पे मारेंगे। मुझे लगा था कि द ग्रेट खली, ओ भाई लग गया भाई, मैं वही बोलने जा रहा था, खली बॉम्ब लगना चाहिए था एकदम स्टार्ट में मैच के, बट लगा नहीं, बट अब लग चुका है। ओ भाई फिनिशर लगते ही रोमन रिंग्स बाहर, एक फिनिशर में बाहर। बट यार यहाँ पे बटिस्टा बॉम्ब भी लग चुका है द ग्रेट खली को। द ग्रेट खली किसी तरह से बटिस्टा बॉम्ब झेल गए भाई और रोमन रिंग्स एलिमिनेट हो चुके हैं स्टार्ट के एक मिनट में। मैच के स्टार्ट के एक मिनट में रोमन रिंग्स बाहर भाई, एलिमिनेट। द ग्रेट खली सर का बॉम्ब खाए और सीधा एलिमिनेट हो गए बाहर। जिंदर महल भी स्टंट हो चुके हैं भाई, अब 2-on-3 तो हो चुका है। रोमन रिंग्स द ट्राइबल चीफ जा चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। बट सामने द एनिमल और ब्रॉक लेसनर दोनों ही बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार बचे हुए भाई। अगर इंडियन सुपरस्टार को मतलब कि द ग्रेट खली सर टीम को जीतना है इस मैच को, तो ब्रॉक लेसनर को आउट करना ही होगा। अबे शिट भाई साहब, ये क्या हो गया, द ग्रेट खली नॉर्मल मूव से एलिमिनेट हो गए यार। अब 2-on-2 हो चुका है भाई, तो कहीं पे भी मैच जा सकता है ये। द खलास भी लग गया भाई, खलास लगा बट बटिस्टा बच गए यार। बटिस्टा अगर यहाँ पे जाते थे बाहर तो फिर इंडियन सुपरस्टार जीत सकते थे इस मैच को। तो दोनों ही तरफ से कैप्टन जा चुके हैं, द ग्रेट खली कैप्टन थे और रोमन रिंग्स कैप्टन थे, तो दोनों ही कैप्टन इस मैच से आउट हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बचे हैं 4 सुपरस्टार, ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, जिंदर महल और वीर महान। मैच तो भाई थोड़ा थोड़ा मतलब मीडियम ही चल रहा है, इक्वली चल रहा है। जो पहला फिनिशर मारेगा हो सकता है कि वो जीत जाए। ब्रॉक लेसनर के पास में दो दो फिनिशर है और बटिस्टा के पास में फिनिशर नहीं है। बट भाई ये जो मार रहे ना ये मूव, ये फिनिशर से कम नहीं है। जिंदर महल की सुस्ती उतार दिया भाई बटिस्टा ने। वीर महान की बॉडी एकदम ही फ्रेश है, ब्रॉक लेसनर बटिस्टा की बॉडी एकदम फ्रेश है, जिंदर महल थोड़ा बहुत मार खा चुके हैं। ब्रॉक लेसनर के पास में भाई दो दो फिनिशर है, लगा ही था मुझे कि ब्रॉक लेसनर अभी आके अपना फिनिशर चिपकाने वाले हैं जिंदर महल को। एलिमिनेट तो नहीं हुए जिंदर महल, ये अच्छी बात है, बट स्टंट हो चुके हैं भाई, गए काउंट, पिनफॉल हो जाएगा, मुझे लगा ही था पिनफॉल हो जाएगा भाई। फिर से खतरू टीम भाई डोमिनेट करते हुए इस मैच को भी, सिर्फ और सिर्फ वीर महान बचे हुए। वीर महान क्या कर रहे थे भाई यार, स्टैचू बन के खड़े थे वहाँ पर। ब्रॉक लेसनर ने फायदा उठाया और वीर महान को डाउन कर दिए। जिंदर महल आप फाइट नहीं कर सकते, आप इलीगल हो गए हो अब, क्योंकि आप हार चुके हो, एलिमिनेट हो चुके हो। अगर फाइट करोगे तो सीधा आपकी टीम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। जिंदर महल मेरी बात सुनी और चुपचाप चले गए, जब फाइट करना तब तो किए नहीं। सुप्लेक्स भाई, बाहर सुप्लेक्स खा रहे वीर महान, दो दो फिनिशर रख के मार खाए जा रहे ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर के पास में एक फिनिशर अभी भी बचा है, सिग्नेचर भी थोड़े टाइम में आने वाला है। मुझे लगता है कि उठाते साथ ही ब्रॉक लेसनर इनको भी फिनिशर चिपकाने वाले हैं। लगा फिनिशर, ओ भाई रिवर्स कर लिया भाई, खतरनाक वीर महान ने रिवर्स कर लिया फिनिशर और अपना फिनिशर चिपका दिया।
सबमिशन तो नहीं होगा क्योंकि सामने मुझे बटिस्टा दिख रहे हैं भाई, अपना फिनिशर चिपका दिए भाई, सबमिशन के लिए गए हैं, बट बटिस्टा आके बचा लेंगे। लीगल बंदे से फाइट करना चाहिए था, टीनिटी लगा दो और उनको बाहर भेज दो। बहुत खतरनाक यार वीर महान, लास्ट मैच में भी बहुत ही अच्छी फाइट किए थे, शैंकी वाली जब फाइट किया था मैंने, जिंदर महल शैंकी और वीर महान, तब भी अच्छी फाइट किए थे और आज भी ठीक ठाक ही खेल रहे, दो दो फिनिशर लेके रखे हुए हैं और एक फिनिशर ब्रॉक लेसनर को चिपका चुके हैं। ब्रॉक लेसनर भाई बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त वाला सुप्लेक्स सिटी पड़ेगा भाई। नहीं यार सुप्लेक्स उठाई सुसाइड, खतरनाक मूव का नाम था ये तो। ओ ब्रॉक लेसनर बॉम्ब, लेसनर बॉम्ब पड़ गया भाई, पावर बॉम्ब हो गया भाई, पिनफॉल हो जाएगा, नहीं हुआ भाई साहब। अभी भी मतलब जान बहुत है, अभी भी हेल्थ बहुत है भाई वीर महान के अंदर, क्योंकि एक पी ही पिनफॉल रोक दिए। बटिस्टा का खून कैसे निकला, खून किसने निकाला? ओ ले भाई बटिस्टा बॉम्ब भी लग गया इनको, एलिमिनेट तो नहीं हुए है बट पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, पिनफॉल हो जाएगा क्योंकि स्टंट हो चुके हैं। ले भाई आज भी जीत गई द खतरू टीम भाई। इन लोगों के सामने मैं कौन से सुपरस्टार उतारूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैं कौन से सुपरस्टार इन खतरू टीम के सामने उतारूँ जो इनको हरा सके, हरा सके कम से कम दो सुपरस्टार को तो हरा सके यार, दो सुपरस्टार भी इनके हारते नहीं है। बट गाइस मज़ा आ गया इस मैच के अंदर, अगर आप लोगों को भी ये मैच अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।